आज हम इस तरह से करेला की चटपटी सब्जी बनाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए करेला की चटपटी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। करेला की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर 1 केजी करेला लिए हैं। इसे अच्छी तरह धोकर इस तरह से काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज प्याज कटे हुए, 3 से 4 हरी मिर्च कटे हुए। सबसे पहले पैन को गरम कर लेंगे। पैन गरम हो चुका है। अब इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। हरी मिर्च, प्याज, अब इसमें कटे हुए करेला डालकर भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। नमक 1 चम्मच या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक को अच्छी तरह मिला दिए हैं। इसे इसी तरह भूनेंगे 2 से 3 मिनट। करेला को 3 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें सभी मसाला डालकर भूनेंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, मैगी मसाला 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच। सभी मसाला को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसे 6 से 7 मिनट ढककर पकाएंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। फ्लेम को तेज कर देंगे और इसे 2 मिनट इसी तरह भूनेंगे। ये सब्जी तैयार हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे। ये करेला की चटपटी सब्जी पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।